नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, हमारे थंबनेल पे आपने देखा होगा कि अब अग्निवीर के बाद अब रेलवीर। तो ये बात दोस्तों हमने किस लिए लिखी है, देखिए हमारे पास एक सर्कुलर है, जॉब नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है इंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि जो डिपार्टमेंट हैं रेलवे के वर्क्स इलेक्ट्रिकल और सिग्नल, इनमें इन्होंने जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब निकाली गई है। और जॉब दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है वो शुरुआत हुई है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 26/10/2023 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों 9/11/2023। तो 26/10 से 9/11 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट भी दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। ये आपका दोस्तों NER गोरखपुर से वैकेंसी निकली हुई है। अब देखो, देखिए दोस्तों इसमें इस लाइन को पढ़ते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स पजेसिंग प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब्ड इन Para 3 बिलो फॉर एंगेजमेंट एज जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इंजीनियरिंग सिग्नल इलेक्ट्रिकल, यानी कि तीन जो रेलवे के डिपार्टमेंट हैं इंजीनियरिंग सिग्नल और इलेक्ट्रिकल, इनमें जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी निकाली गई है। और वो दोस्तों प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं ये, जो रेलवे की तरह पूरी तरह से सरकारी जॉब नहीं रहेगी। अगला दोस्तों इसी में देखिए पोस्ट पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिया है, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इसका नाम रहेगा और इंजीनियरिंग सिग्नल और इलेक्ट्रिकल तीन डिपार्टमेंट में इनकी भर्ती जो होगी। तो अब यहाँ पे अलग अलग भी बताया है कि जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इंजीनियरिंग में दोस्तों 19 वैकेंसी हैं और सिग्नल में 9 वैकेंसी हैं और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें 9 वैकेंसी हैं। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए यहाँ पे बताया गया है, वर्क्स के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर में 3 साल का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए या BSc होनी चाहिए आपकी दोस्तों इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, 3 साल की BSc हो, या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो ये दोस्तों क्वालिफिकेशन आई है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि 4 साल की जो है बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। और इसी तरीके से दोस्तों जो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट है इलेक्ट्रिकल TRD में, तो इसके लिए भी दोस्तों इसी तरह की क्वालिफिकेशन है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इंजीनियरिंग वर्क्स में दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए था, यहाँ पे डिप्लोमा आपका मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। और अगला है दोस्तों इन्हीं में जूनियर टेक्निकल एसोसिएट सिग्नल, तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इस प्रकार की क्वालिफिकेशन दोस्तों सिग्नल डिपार्टमेंट में चाहिए। इसके बाद है, अब यहाँ दोस्तों एक चीज़ और दी है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स इन बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री में कम से कम दोस्तों अगर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% नंबर उनके होने चाहिए, और OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 55%, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद है दोस्तों प्रिफ्रेंस शैल बी गिवन टू द गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, अगर किसी कैंडिडेट ने गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसको प्रिफ्रेंस दिया जाएगा।
और दोस्तों अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल से 33 साल की एज होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 36 साल और एससी कैटेगरी के लिए 18 से 38 साल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ी है वो दोस्तों 500 रुपये है और 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे अगर आप पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंट टेस्ट में आप बैठते हैं, तो उसके बाद आपका जो 400 रुपये हैं वो वापस हो जाएंगे। और अगर बात की जाए एससी एसटी एक्स सर्विसमैन वूमेन माइनॉरिटीज इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की, तो इनको 250 रुपये दोस्तों चार्जेज इनसे लिया जाएगा, विच विल बी रिफंडेड टू दोज हु एक्चुअली अपीयर इन द पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी कि अगर वो पर्सनैलिटी टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर वो बैठते हैं तो उनको ये वापस कर दिया जाएगा। और आगे दोस्तों इसमें कुछ मुख्य पॉइंट और आपको बताते हैं। देखिए सेलेक्शन क्राइटेरिया डिवीजन्स ऑफ मार्क, यानी कि सेलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, टोटल नंबर होंगे आपके 100 और जो गेट परसेंटाइल क्वालिफिकेशन है उसके आपको 55 मार्क्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस के आपको 30 मार्क्स का होगा और पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस इंटरव्यू होगा आपका 15 नंबर का। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो होना है। और अवार्ड ऑफ मार्क्स ऑन गेट परसेंटाइल क्वालिफिकेशन, यहाँ गेट में जो आपके परसेंटाइल हैं उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन दोस्तों आपको ऑनलाइन तरीके से सबमिट करना होगा, जो NER गोरखपुर की वेबसाइट वहाँ पर दी हुई है उसी से ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आगे दोस्तों रेमुनरेशन, द एंगेजमेंट शैल बी फुल टाइम कॉन्टैक्ट एंड द मंथली रेमुनरेशन शैल बी एज अंडर नो अदर अलाउंसेस पर शैल बी पेड एक्सपेक्ट एक्सेप्ट द डेली अलाउंस फॉर द आउट स्टेशन ड्यूटी। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मंथली जो वेतन जो दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो क्लास ऑफ सिटी हैं उनके आधार पर उन्होंने वेतन निर्धारित किया है, जेड क्लास सिटीज में 25,000, वाई क्लास सिटीज में 27,000 और एक्स क्लास सिटीज में 30,000 रुपये का उनको दोस्तों रेमुनरेशन दिया जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है दोस्तों ड्यूरेशन, ड्यूरेशन दोस्तों कितनी होगी, द कॉन्ट्रैक्ट द एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू 19/11/2023 फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो आपका डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ से 19/11/2023 तक देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन द केस द सेम इज परमिटेड बाई रेलवे बोर्ड। इट इज फेल्ट दैट देयर इज ए रिक्वायरमेंट बाई द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ एवर एनी रिन्यूअल इज सोनली ऑन डिस्क्रेशन ऑफ द रेलवे एज पर रेलवे रिक्वायरमेंट एंड इन नो वे कन्फर एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर रिन्यूअल। तो इसका जो रिन्यूअल होगा वो दोस्तों रेलवे बोर्ड के ऊपर ही होगा कि रेलवे बोर्ड कब तक इसका रिन्यूअल करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डेट दी हुई है, द इंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू 19/11/2023, तो 19/11/2023 तो अभी ही आ रहा है लगभग, यानी कि जो लास्ट डेट है वो 9/11 है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अप टू 19/11/2023 है। हो सकता है ये गलती से लिखा हो लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वही हमने आपको बताया है। इसके बाद दोस्तों जो मेडिकल है, मेडिकल के विषय में यहाँ बताया है, यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, ट्रेनिंग कैसे होनी है, क्या क्या होना है। और दोस्तों आपका देखिए अदर इंटाइटलमेंट फैसिलिटी में ड्यूटी पास इनको दिया जाएगा, सेकंड क्लास ए ड्यूटी पास विल बी प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रेच ऑफ द जर्नी इन्वॉल्व ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के समय इनको सेकंड क्लास ए का पास इनको दिया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों डेली अलाउंस, डेली अलाउंस व्हेन ऑन टूर एज एडमिसेबल एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर डे। यानी कि जिसे हम रेलवे एम्प्लॉयज को जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो आपको दोस्तों 500 रुपये पर डे यहाँ पर निर्धारित किया गया है।
वो जो 30% 6 घंटे तक और 6 से 12 घंटे तक 70% एंड मोर देन 12 आवर्स तो आपको 100% ये मिल जाएगा। ये यहाँ पे टीए की बात की गई है कि इनको टीए कितना मिलेगा। और लीव इंटाइटलमेंट की दोस्तों बात करें तो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए सबसे पहले एक संडे और दूसरा नेशनल हॉलीडे, ये दो प्रकार की छुट्टी इनको मिलेंगी। और इनके अलावा जैसा रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है कि कभी इनका रेस्ट कैंसिल भी कर दिया जाता है उसके बदले सीआर मिल जाता है, ये कंडीशन भी दोस्तों इन पे लागू होगी। तो दोस्तों ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन पूरी। अब इन्हें आप रेलवीर कहें या क्या कहें ये आप दोस्तों अपने आप खुद ही डिसाइड करें, लेकिन रेलवे में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो वैकेंसी हैं वो आना शुरू हो गई है। और दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का है तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि फॉर्मेट दिया है कि इसे भर के सेल्फ डिक्लेरेशन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको देना होगा। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।